जी नासरीन भली खार चवंदासीं जी काय साहब गाल कयूं पिया पाण त ही जेका अदम बर्दाश्त वारी सियासत आहे इन जे खे कीअं था ॾिसो इन सां फ़ाइदो केरु पियो खणे ऐं हीअ सियासत किथे दंग कंदी इन सियासत सां जेको आहे सो मुल्क जो जेको कल्चर अॻ में ई बिगड़ी वियो आहे सियासी कल्चर जेको अॻु कारकुन जेको आहे हिक ॿिए खे मुखालफ़त ॿुधंदा हुआ उहा ॻाल्हि जेका आहे नथी रहे उहा जेकी ग्रास रूट में तव्हां चओ था त तब्दीली आणियऊं ऐं उहो ग्रास रूट लेवल ते ई जेकॾहिं इहा सियासी इख़लाकिया जो मयार इहो हूंदो अदम बर्दाश्त जी इहा लेवल हूंदी त तव्हां सोसाइटी खे कीअं बहितर करे सघो था। सियासत ई ज़ाहिर आहे हिन मुल्क जी जमहूरियत खे हलाए सघे थी ऐं सियासत सियासी पार्टियूं ई उन जे लाइ तमामु ज़रूरी आहिनि, पर सियासी पार्टियुनि जे कारकुननि खे जेकॾहिं इहा तरबियत न हूंदी ऐं उहे जेकॾहिं सफ़ा एॾी वॾी लेवल ते वञी जो आख़िर टॉप लीडरशिप जेका आहे कंहिं मुख़ालिफ़ बुद्ध जी पोलिटिकल पार्टी जी आहे उन सां जेकॾहिं इहो रवैयो रखंदा त मुंहिंजे ख़्याल में इहा ॾाढी ॾुखोईंदड़ ॻाल्हि आहे ऐं इन ते जेको आहे उहो सियासी पार्टियुनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर घटि में घटि भले सियासी इख़्तिलाफ़ पंहिंजी जाइज़ केतिरा बि हुजनि पर उन्हनि में घटि में घटि इन ॻाल्हि ते एतिरा हुजणु घुरिजे त लीडरशिप जो एतिराम या उनजी ॻाल्हियुनि जो एतिराम या उनजे जेके साम्हूं अचनि त उन्हनि जो एतिराम जेको आहे उहो ज़रूरी आहे। लीडरशिप कंहिंजी बि हुजे उहो पोलिटिकल माण्हुनि पोलिटिकल जेके डायलॉग्स आहिनि या पोलिटिकल इख़्तिलाफ़ आहिनि सियासी इख़्तिलाफ़ जेके आहिनि उहे सियासी इख़्तिलाफ़ जे ज़रिए ई हल थी सघनि था, तशद्दुद जे ज़रिए को उनजे मसइले जो हल कोन्हे को। सही सही। अच्छा, राय सां इख़्तिलाफ़ थी सघे थो पर जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ जो जवाबु असां हथु खणी ॾियूं, कानून हथ में खणूं या हिकिड़ी जेका आहे अढंगी ज़ुबान इस्तेमालु कयूं त उहा त यकीन तौर ते नुक़सानकार आहे, तमामु घणी नुक़सानकार आहे। जी अच्छा काई साहब, हीअ जेको जेका पॉलिसी आहे हिकु पासे चऊं था त असां इदारनि खे ख़ुदि मुख़्तियार छॾियो आहे जंहिंमें नेब जे हवाले सां ख़ासि तौर ते पी डी एम मुख़ालिफ़ धुर जेका आहे उहा चवंदी रहंदी आहे त नेब जेका आहे उहो गठजोड़ आहे इमरान खान जो, त हिते वरी हीअ ॿी जेका सूरत हाल आहे त इलेक्शन कमीशन वारो जेका सूरत हाल साम्हूं पैदा थी आहे त इलेक्शन कमीशन सुठी इलेक्शन कोन कराई आहे ऐं जे इहा सुठी आहे त ख़बर नाहे ख़राबु छा हूंदी, इन क़िस्म जा बयान मुल्क जो वज़ीर आज़म ॾिए पंहिंजे आइनी इदारे जे लाइ त इहो न वज़ीर आज़म अॼु सुप्रीम कोर्ट जो नालो बि खयो फ्लोर ते तकरीर कंदे, हुन चयो त मां सुप्रीम कोर्ट खे गुज़ारिश कयां थो तव्हांखे जेका बि ऐं नेब खे बि त तव्हां वटि जेके हलंदड़ केस आहिनि उनखे फौरी तौर ते नतीजा खेस बणाए ऐं जेके बि जिन ते इल्ज़ाम आहिनि उनखे सज़ाऊं ॾियो या जेको जेको थियो हाणे सज़ाऊं ॾियण वारो मामिलो आहे, चए थो सज़ाऊं ॾियो हुननि खे, माना ज़रूरी न आहे त जेकॾहिं उहे जेकॾहिं साबित नथा थियनि त हरूभरू हुनखे सज़ा ॾियणी आहे। तव्हां सुप्रीम क़ौमी असेंबली जे फ्लोर ते बि तव्हां कंहिं तमामु अहम इदारनि खे कीअं डिक्टेट करे सघो था त तव्हांखे हीअ करिणो आहे। हाणे जेकॾहिं नेशनल इलेक्शन कमीशन आहे, इलेक्शन कमीशन हिकिड़ो आज़ादु इदारो आहे, सही, उहो कंहिंजे बि दॿाउ में अची उहो फ़ैसिलो उहो आइन तहत हुनखे करणु घुरिजे जेको उहो कमु करे रहियो आहे। ईअं ई सुप्रीम कोर्ट बि हिकिड़ो आज़ादु इदारो आहे, उहो पंहिंजे आइन खे जी तशरीह जेका आहे उहो आज़ादु नमूने सां करे सघे थो, जेके फ़ैसिला थिया आहिनि उन हिसाब सां थियणु घुरिजे, त उनजे मथां दॿाउ रखणु ऐं इन क़िस्म जो दॿाउ रखणु त जीअं मां चाहियां तीअं थिए इहा पाकिस्तान जी जमहूरियत जे लाइ ऐं ख़ुदि आइन जे लाइ तमामु घणो नुक़सानकार आहे। त तव्हां उन मां रस्ता ॻोल्हियो त बाबा हीअ बाबा तव्हांखे करणी आहे सिधी सही उन्हनि ॻाल्हि कई तव्हांखे जेकॾहिं करिणो आहे अहिड़ो त तव्हां आइन में जेको आहे सो तरमीम करायो, तव्हां क़ौमी असेंबली में उनजो प्लेटफॉर्म आहे जिते वञी इहो मामिलो हल थी सघे थो, बजाए जो तव्हां ॾंडो खणी इलेक्शन कमीशन जे मथां बीह रहो, तव्हां हीअं ही कयो जीअं असां चाहियूं था, त मुंहिंजे ख़्याल में इहो नाइंसाफ़ी आहे। सही। अच्छा, कीअं था ॾिसो काई साहब त जेको ॾुखियो वक़्तु आहे वज़ीर आज़म जे मथां उहो टारो करे वियो आहे या ईंदड़ कुझु वक़्त में कुझु ॾींहंनि में कुझु महीननि में मुमकिन आहे का अहिड़ी शइ नज़र अचे थी? माज़ी में त थींदो रहियो आहे त जेको वज़ीर आज़म खे तब्दील कयो वेंदो आहे, बाक़ी हुकूमत साॻी हूंदी आहे, त का अहिड़ी सूरत हाल थींदी नज़र अचे पई या इन पासे को वज़ीर आज़म साहिब लाइ ॾुखियो वक़्तु त अञा हाणे शुरू थो थिए। मतिलबु इहो आहे त जेको हिन महिल ताईं पी डी एम वारनि या जिन बि जेको आहे कयो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में हीउ वक़्तु हुयो इमरान ख़ान साहब जे लाइ त पंहिंजे पॉलिसियुनि खे मुल्क जे मुआशी मसइलनि खे हल करण जे लाइ तरफ़ लॻायां ऐं मुसलसल अढाई साल पुणा टे साल जेको हिन कमु कयो आहे उहो रुगो ऐं रुगो इकोनॉमी खे बहितर करण जे लाइ कनि हा, बजाए के हिज़ब इख़्तिलाफ़ जे ऐं मुख़ालिफ़ दौर जे माण्हुनि खे ॾंडो खणी हुनजे कट पवणु हुनखे जेल में विझणु या भले जेको आहे उहे प्रोसेस तहत जेके शयूं हलनि थियूं उहे हलणु घुरिजनि हा, इल्ज़ाम जिते कनि पिया, पर चोवीह कलाक समूरी क़ैद त उनजी पंहिंजी पाण उनजी कैबिनेट रुगो इन्हनि खे इन कम जे करे लॻी पई हुजे त बाबा फिलाणो 10% आहे, फिलाणो जेको आहे गदार आहे, फिलाणो जेको आहे पैसा खणी भॼी वियो, फिलाणो इहो थियो। जेकॾहिं इमरान नवाज़ शरीफ़ जेकॾहिं लंदन में रहे थो त इमरान ख़ान साहिब जा ॿई पुट लंदन में रहनि था,
वो गरीब के बार लंदन में रही सके तो जहाँ जो गाल है इमरान खान साहब के अना मौको है मुझे ख्याल में तो वह सूरत के सुधारे सके तो पर जो उनको रवैयो लगे तो वो सिर्फ टकराव जो आ किथे वेहण वाली गाल की सूरत ना है छो तो उनको नैरेटिव खी आया शुरू में ही वो नैरेटिव हो जो प्रैक्टिकली मुमकिन न हो उनके जैसे हल कर चाहे पो चाहे को एकड़ी पार्टी नी कर सके अब जैसे करप्शन के हवा से केसिस तो भी सभी पार्टी मिली कर एक उनते अमल कर सकती नेब के हवा से करण तो एक कर सोता रुगो यो जबर केतरा ही केसिस साबित ना हाँ गुजर मीटिंग में तमाम अहम केस जो सो नेब जो बंद कर छो तो हाँ गाल है तो वे केस में बंद थे जिते उनके मिले ही को सबूत ना मिलन पाया तो सो इमरान खान के लिए सुठो वक्त यो मतलब यो आ मुल्क जो सुठो वक्त जो थी सके तो वरी भी पॉलिटिकल लीडरशिप से डायलॉग ही रस्तो है जिता इनके रस्ते रस्त मिली सके तो पंज साल मुझे ख्याल में पार्लियामेंट के पंज साल पूरा करण घुर्जन पर मसलो है इमरान खान जे पर्सनल जो पंज साल पूरा करने वो मामलो वो मुख्य नो लगे तो वो पूरा कर सके जो हि हाँ हथ विझा मुझे लगे तो वो जो डायलॉग न रुगो इन किस्म की जैसे बदतमीजी होंगी तो लीडरशिप के मथा हथ खा इवन खवातीन लीडरशिप होंगी वह महफूज न होंगी तो मुझे ख्याल में बे तरफ का भी चंगाई की उम्मीद रखी दुखी है सही वो मौलाना साहब मौलाना फजल रहमान है तो शीशे में घर में रहने वाले के घुर्जे तो वो बे के पत्थर न हणे जी बिल्कुल सही अज उनको है सिचुएशन से बयान है। अच्छा काई साहब जो माजी में हुकूमतू थी पीपल्स पार्टी जो या मुस्लिम लीग नून की हुए तो उन में या गड़ियल हुकूमत हुए तो उन में ये थन्द है तो जे कौमी मामला हूँ उन्होंने कानून साजी थी वेंदी है पर इन भेरे ये नी सको है एफ ए टी एफ जो मामलो हो एन एफ सी अवार्ड वो मामलो आो भी जन तो इंघियो पो है अटको पो है अड़ा खोड़ मामला जे आलमी सतह से हुजन कोविड के दौरान तूरत हाल दिठी तो ये तो इमरान साहब अच्छी टीवी तेजे तकरीर में कौम के डोरापो दी है तो हि मू जैसे अस इनके चूं था एफ ए टी एफ से अची असा कानून साजी कर हि एन आर ओ था घुरन यो हाँ जैसे एडा तुम मानों के मथा तो उम्मीद कड़ी था रखो जाहिर तुम जैसे कानून साजी कद मुल्क में बया इलाही मसला पे उनके कानून साजी कद अकेले सिर ना सो कर सो सेनेट में एक गाले जी तौर पर एज अ जर्नलिस्ट में चवान तो सेनेट जो हाँ की कंपोजिशन जो थी है ना ये न थे हाँ तो इमरान खान साहब अरड़ी तरमीम समेत एन एफ सी अवार्ड बया सब उड़ा छियाँ ये जो इरादा हुआ हाँ सेनेट में जो कंपोजिशन थी है वह अड़ी थी है जो कम घट में घट मौजूदा हुकूमत जैसे को खतरनाक कम आइन में तब्दीली करना चाहे थी वो कर सकती इन पर इन के अलग रखी कर तमाम वो तब्दीली आइन में आने के बजाय जो हुकूमत मौजूदा चाहे भी तो कानून साजी कर सके थी उनके लिए उनके मुखालिफ दूर से गालों पवो उनके रुगो गारियों दियण के बजाय उनके टेबल से वेही इलाही मानू आन पीटीआई में जो संजीदगी से उन्होंने गाले सकता गाल मुखालिफ दूर बुधी भी सके थी पर मसलो उनके लिए अग भराई करो उन उनके लिए गाल तैयार करो पाँच जबान के रोकण पाँच तरीक़ेकार के सुधारण इन कर अक्सर चवे तो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो मूँ खुद पा इमरान खान साहब रिव्यू करें सूरत हाल से मामलो रुगो ये ना मामला बया भी आन मुल्क के हलण के लिए रुगो डंडो हथ में बंदूक हथ में खड़ी ए रुगो बिन के बेइज्जतो करे या तशद्दुद करे मामलन के जेल में विझी मामलन के हलाए कर मतलब नथो हलाए सके रुगो दाढ़ी ते तरक्की धमकी दियण जो सो मुझे ख्याल में यह मुनासिब ना एक जेंटलमैन तरीको है थारो जेंटलमैन थी सके तो मानू उन में बिया तरीका भी सकन था तो जमहूरी रवायतुन के सामू रखंदे इमरान खान साहब के इन मुल्क की बेहतरी के लिए अना उन वक्त है कर सके सही। अच्छा काय साहब हूँ आम तौर पर दिखो वो आलमी फोरम्स से जैसे इमरान खान साहब हुए शाह महमूद कुरैशी साहब हुए या पीटीआई जो अगवान होजन तो उतने वो गाल गाल मामला जो वो गाल वसीले हल थियन घुर्जन मुख्तलिफ़ मामलों के हवा से उनकी यह राय दी है पर वो जैसे मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल के बेहतर करने की गाल होंगी तो उत गाल को उतरे अस वरी जन तो ये तुम गाल कई तो डंडो हथ में खड़ी आई उन्दी है तो यो जो बिटो मयार है वह तो नुकसानकार है वह भले हुकूमत हुए मुल्क हुए या पार्टी हुए या आम मानू हुए
तो उनके लिए तो नुकसानकार है। अफसोस की गाल यह है ना तो जदे भी इंटरनेशनल फोरम्स से वज़ीर-ए-आज़म साहब वो है इमरान खान साहब तो उते भी जो उनको रवैयो रो है वो सागो ही वह तकरीर कह जो मुल्क में कह जै त मुल्क में बाहर बाहर था वो पॉलिटिकल सिचुएशन लेवल अंदरूनी पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बिल्कुल उन तो वरी निशानो उते भी जो है सो मुखालिफ धुर हुंदी भली वो कड़ी भी वही फॉर्म से वे आलमी सतह से पर वरी भी गाल अचे उनके इतों की पॉलिटिकल लीडरशिप होंगी उनके मथा जो सो कावड़ पाँच घटन आलमी फोरम जो मकसद मुल्क की सूरत हाल उनकी नुमाइंदगी करनी होंगी पांच घर जो मुसीबतों के या मामला है वे बाहर जिक्र न कबा है वो घर जो मामलो जाने घर में जाने पर ये ना है पर इन लिए इमरान खान साहब जो डोह भी ना वो पॉलिटिकल मूँ भली चवे तो मैं एक्वी साल सियासी जुदोजहद कई है पर मुझे ख्याल में उनके पॉलिटिकल तजुर्बो ओतरो ना उनके वो इज्तम जे लखे मानू जो इज्तम वो ऐसी चुको है उनके लिए अड़ी का वही गाल कोने छो तो वो क्रिकेटर रो दुनिया में वा स्टेडियम वो भर भरल हूँ जो इन मकबूलियत भी वही गाल ना छो तो तमाम वो मकबूल आलमी सतह से मूँ रो एज अ क्रिकेटर पॉलिटिशियन तो पॉलिटिकल मूँ क्रिकेटर हो फर्क है वह पॉलिटिकल तरबियत उ गाल उ शे न होजन के करे ही जो कुछ थी रो इन में घनी मजबूरी मतलब डो होने को जैसे सियासी मानू हो तो खबर पवे जैसे ना है सियासी मानू तो मयार कड़ी थी ठे सके वही मेहरबानी काय साहब तक टाइम दिनों नाजरीन प्रोग्राम पुजानी से पहुंचे तो दींदा इजाजत अल्लाह निगरबान।